इंग्लिश बोलने के लिए हमें बेसिक ग्रामर का होना आना भी बहुत ज़रूरी है। बेसिक ग्रामर अगर हमें आती तो हम इंग्लिश को इनिशियल स्टार्टिंग हम उसकी आसानी से अच्छे से कर सकते हैं। तो इस बेसिक ग्रामर में आपको बताता हूँ कुछ यूज इज एम और आर। ये इज एम और आर जो आपने टेंस में जनरली हमने देखा थी हेल्पिंग वर्ब का काम करती है, बट यहाँ पर जब आपका टेंस नहीं है, कंटिन्यूस टेंस नहीं होता, तो भी हम इज एम आर का यूज़ करते हैं प्रेजेंट टेंस में। तो हम किस तरीके से करते हैं वो आप देखिए। अगर किसी भी टेंस में किसी भी वाक्य में आपका वर्ब नहीं होता है तो उसमें भी हम इज एम आर का यूज़ करते हैं। आपको पता है इज का यूज़ किसके साथ करते हैं? आपका ही शी इट, किसी का भी नाम, एनी नेम और सिंगुलर, मतलब एक वचन में करते हैं। और एम के साथ सिर्फ आई का यूज़ होता है, आई एम, ही, आई एम। और यहाँ पे आर का यूज़ होगा आपका वी, दे, यू और प्लूरल के साथ। इस तरीके से आपको इज एम आर का यूज़ करना होता है। बेसिकली अब आपको पता चल गया कि इज का यूज़, एम का यूज़, आर का यूज़ किसके साथ हमें करना है। तो मैं आपको एक जनरल दिए कि एक करके मैं आपको बताता हूँ कि हम किस तरीके से यूज़ करेंगे। जैसे आपने कहा कि वो राम है तो ही इज राम। जैसे ही इज राम, ही इज राम, तो बेसिकली आपको जब बनाना होता है तो सब्जेक्ट प्लस इज एम और आर लगाते हो, प्लस में आपका बेस आ जाता है। यहाँ पे आपका वर्ब नहीं होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना, सिर्फ सब्जेक्ट होगा और आपका बेस होगा। तो जैसे ही इज राम, ही इज राम। जैसे लड़की है तो शी इज, जैसे वो सबीता है तो शी इज सबीता। वो एक लड़की है तो शी इज अ गर्ल। वो बहुत सुंदर लड़की है तो क्या बोलेंगे? शी इज गॉर्जियस, गॉर्जियस, शी इज गॉर्जियस। तो ही इज, शी इज, इट इज, ही इज, शी इज, इट इज, इट इज। जैसे इट इज चेयर, इट इज चेयर, इट इज टेबल, इट इज पेन, तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो ही इज, शी इज, इट इज, किसी का भी नाम हो, एनी नेम। जैसे राम इज अ डॉक्टर, राम एक डॉक्टर है, राम इज अ डॉक्टर। जैसे श्याम इज अ टीचर, श्याम टीचर है, तो उसमें ये नाम के साथ आ जाएगा ही इज, शी इज, इट इज। तो अब इसके बाद अगर हमें आई के साथ यूज करना है, जैसे मैं आई के साथ यूज करूँ तो आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूँ तो आई एम अ टीचर, मैं पागल हूँ तो आई एम क्रेजी, आई एम क्रेजी, मैं गुस्सा हूँ तो क्या हो जाए? आई एम एंग्री, आई एम एंग्री, मैं भूखा हूँ तो आई एम हंग्री, आई एम हंग्री। इस तरीके मैं प्यासा हूँ तो आई एम थर्स्टी, आई एम थर्स्टी। तो इस तरीके से आपको ही इज, शी इज और आई के साथ एम यूज़ करना होता है। अब आता है आर। तो आर में जैसे वी, वी मीन्स हम, दे मीन्स वे, यू मीन्स तुम और प्लूरल बहुत सारे लोगों की बात हो रही है। जैसे वे सब पागल हैं तो वे के लिए हम दे वर्ड यूज़ करते हैं। देखो, बे सब लोग बोल दो या बे सब बोल दो, एक ही बात है। तो दे आर क्रेजी, दे आर क्रेजी। बे सब डॉक्टर हैं, बे सब डॉक्टर्स हैं, तो क्या हो जाएगा? दे आर डॉक्टर्स, दे आर डॉक्टर्स। बे सब प्यासे हैं, बे सब प्यासे हैं, तो दे आर थर्स्टी, दे आर थर्स्टी। तुम पागल हो तो यू आर क्रेजी, यू आर क्रेजी। यू के साथ क्या आ गया? ऐसे यू आर क्रेजी। आप टीचर हो, यू आर अ टीचर। आप गरीब हो, यू आर पुअर। आप अमीर हो, यू आर रिच। आप किसान हो, यू आर फार्मर। आप किसान हो, यू आर फार्मर। तो इस तरीके से आप यू आर, ही, तो आपको बेसिकली ही, शी, इट, सो इज एम आर जो होता है, इज एम आर का यूज आपका जहाँ पे आपका प्रेजेंट की बात हो रही हो, प्रेजेंट में जहाँ आखिरी में है आता हो, या जैसे वही सिंपल, जैसे आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं,
तो है, या फिर मैं इंजीनियर हूँ तो है, और हु जनरली जो आते हैं सब प्रेजेंट होता है, इसमें वर्ब नहीं होती। तो वहाँ पर आप इज एम आर का यूज़ करो, और इज एम आर का यूज़ इस तरीके से करोगे, ठीक है। अभी सपोज करो कि नेगेटिव में होता, नहीं में, नेगेटिव सेंटेंस हमें देखिएगा, तीन या चार तरह के हम सेंटेंस बनाएंगे, सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो ये सिंपल सेंटेंस थे। अगर नेगेटिव की बात आती है तो नेगेटिव की बात में क्या करेंगे हम, आप जानते ही हमेशा नेगेटिव इज एम आर के बाद आप नॉट लगा देंगे, इज एम या आर के बाद आपको सिर्फ क्या करना है, नॉट लगाना है, प्लस बेस आपका वही का वही रहेगा। लेकिन आप इज नॉट को आप इजंट लिख सकते हो, इज नॉट को आप क्या लिखेंगे, इजंट, और आर नॉट को लिखेंगे आप अरंट, और एम नॉट को लिखेंगे आप एंट। ये शॉर्ट फॉर्म आप जैसे एब्रीवेशन यूज करेंगे आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो जैसे कि मैं बोल दूँ ही इजंट अ टीचर, वो टीचर नहीं है, शी इजंट गुड गर्ल, वो अच्छी लड़की नहीं है, तो शी इजंट गुड गर्ल, इस तरीके से हम सेंटेंस बना सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए अगर मेरे को आई के साथ हो तो आई एंट क्या आएगा, आई एंट अ टीचर, मैं टीचर नहीं हूँ, तो आई एंट अ टीचर, आई एंट अ टीचर, मैं पागल नहीं हूँ, आई एम नॉट क्रेजी, या फिर आई एंट क्रेजी। इसके बाद आर आता है अरंट, तो जैसे दे अरंट डॉक्टर्स, वो डॉक्टर नहीं है, तो दे अरंट डॉक्टर, दे आर नॉट डॉक्टर या दे अरंट डॉक्टर, दोनों ही सही है, लेकिन बेसिकली आप यूज़ करा करें तो आप एब्रीवेशन के साथ यूज़ करा करें, तो दे अरंट डॉक्टर, ठीक है। अब अगर सपोज करो कि हमें क्वेश्चन बनाना हो, प्रश्न करना हो, तो प्रश्न करने में आपको पता है कि जो इज एम आर होगा, जो हेल्प है, वो सबसे पहले आ जाता है और पूरा वही का वही रहेगा। जैसे मैं कर देता हूँ इसको, तो ये आपका हो जाएगा इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस बेस, ठीक है। तो जैसे मैं कहूँ क्या मैं टीचर हूँ, तो क्या वो टीचर है, तो इज के साथ वो आएगा, इज ही टीचर, क्या वो टीचर है, क्या मैं टीचर हूँ, तो हो जाएगा एम आई टीचर, और क्या तुम टीचर हो, तो आर यू टीचर। देखिएगा मैं एक ही सेंटेंस इसलिए बार बार ले रहा हूँ ताकि आपको ये कन्फ्यूज़न जो है इनके साथ जो बनाने की इज एम आर की वो क्लियर हो जाए। तो इज ही टीचर, क्या वो टीचर है, एम आई टीचर, क्या मैं टीचर हूँ, आर यू टीचर, क्या आप टीचर हो, इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो बेसिकली ये इज एम आर के जो यूज थे ये होगा। अब लेकिन क्या होता है, एक इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव होता है, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव क्या होता है, जहाँ पे क्वेश्चन भी करो और नहीं भी। जैसे कि मैं बोलूँ क्या मैं टीचर नहीं हूँ, क्या वो टीचर नहीं है, तो क्या भी आ रहा है और नहीं भी आ रहा है, इसलिए इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो इसको बनाने के लिए बहुत सिंपल है, तो यहाँ पे आप मेरे हिसाब से यूज़ करेंगे वो इजंट या एंट या अरंट प्लस वही सब्जेक्ट और आपका बेस। तो जैसे मैं यहाँ पे बोलूँगा तो ये आपको हो जाएगा इजंट ही टीचर, क्या वो टीचर नहीं है, इजंट ही टीचर, क्या मैं टीचर नहीं हूँ, तो क्या हो जाएगा एंट आई टीचर, और आर यू टीचर, तो इसका हो जाएगा अरंट यू टीचर, क्या आप टीचर नहीं हो, क्या आप टीचर नहीं हो, क्या आप प्यासे नहीं हो, अरंट यू थर्स्टी, क्या आप भूखे नहीं हो, अरंट यू हंगरी, क्या आप गुस्सा नहीं हो, अरंट यू एंग्री, इस तरीके से आप इन सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिक इंग्लिश में आपको ये आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं और अगर आप अभी सीखना चालू कर रहे हैं बोलना, तो आपको इज एम आर का यूज़ आना बहुत अच्छे से चाहिए, क्योंकि आप जनरली क्या होता है, हम इज एम आर यही सेंटेंस को हम अपनी जो कन्वर्सेशन में मोस्टली यूज़ करते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि ताकि आपको जितने भी वीडियोस मेरे आने वाले हैं उनको आप कोई भी नोटिफिकेशन उनका मिस ना कर सको, कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सको। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।